जय हिंद अव्यू वन मैं नेम इज़ निशांत भारद्वाज एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन सी ए पी एफ ए सी आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी सी ए पी एफ एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी आप सभी लोग आंसर राइटिंग भी कर रहे होंगे और बहुत अच्छे से रिविजन भी कर रहे होंगे नाउ इन टूडेज़ वीडियो वट इज़ द एजेंडा आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द यू पी एस सी सी ए बी एफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम अब जो लोग पुराने एस्परेंट्स हैं उनको तो पता होगा लेकिन हाँ कुछ लोग नए एस्परेंट्स भी आए होंगे इस साल तो उनको एक ब्रीफ देना चाहता हूँ मैं कि आ, आपकी एलिजिबलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है ठीक है तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपने एजुकेशन एलिजिबिलिटी से तो इन एजुकेशन यू नीड टू हैव एटलीस्ट बैचलर्स ठीक है बैचलर्स कौन सा कोई भी हो सकता है आर्ट्स का कॉमर्स का या फिर आपका साइंस का टेक्नोलॉजी का लाइक बी ई बी टेक बी ए बी कॉम बी एस सी कुछ भी हो सकता है और जिस दिन आप फॉर्म भरेंगे उस दिन तक या तो आप अपियरिंग होने चाहिए अपियरिंग और या फिर आप पास होने चाहिए व्हाट डू यू मीन बाय अपियरिंग यू शुड बी इन फाइनल ईयर ठीक है तब आप एलिजिबल हैं और एडुकेशन के बाद आती है रिज़र्वेशन की तो रिज़र्वेशन किस किस को मिलता है देखो सीट्स रिजर्व किस किस के लिए होती हैं आपकी आ, एक्स सर्विस मैन के लिए होती हैं ठीक है इसके अलावा आपकी होती हैं एस सी एस टी ओ बी सी नॉन क्रीमिंग लेयर, नॉन क्रीमिलेयर ईडब्ल्यू एस एंड ऑफकोर्स फीमेल्स इन सभी को रिजर्वेशन मिलेगा लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जिनको सबसे ज्यादा ध्यान देना है वो हैं आपके ईडब्ल्यू एस कैंडिडेट्स और आपके ओ बी सी नॉन क्रीमिलियर कैंडिडेट्स आपके सर्टिफिकेट्स का बहुत ज़्यादा इशू रहता है तो आप अपने सर्टिफिकेट्स एकदम अप टू डेट रखें इस्पेशली ई डब्ल्यू एस कैंडिडेट्स आपका सर्टिफिकेट बिल्कुल भी फेक नहीं होना चाहिए सारे के सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए ठीक है और जिनको नहीं पता उनको बता दूं मैं कि ई डब्ल्यू एस सर्टिफिकेट आपकी स्टेट गवर्नमेंट ही इशू करती है स्टेट गवर्नमेंट इशू करेगी और यही आपका सेंट्रल गवर्नमेंट में भी एप्लीकेबल होगा ठीक है हर एक डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग रूल होते हैं कहीं तहसीलदार के ऑफिस से इशू होता है कहीं एसडीएम लेवल से इशू होता है कहीं कहीं से होता है ठीक है तो आपके डिस्ट्रिक्ट में जहां कहीं से भी इशू होता है आप कराएं और मेक श्योर sure कि आपके ई सर्टिफिकेट पर ओवर नहीं होनी चाहिए ओवर मतलब कुछ गलत लिख गया था तो गलती को सही करने के लिए उसमें कटिंग कर दी या फिर उसको ओवर कर दिया तो इसको अवॉइड करना है हर हालत में ये बहुत बड़ा इशू है एक प्लस आपका हर एक फाइनेंशियल ईयर में आपका ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट रिन्यू होता है तो जैसे मानो अप्रैल या फिर मई में, में जब आपका नोटिफिकेशन आएगा 2024 में तब आपका जो सर्टिफिकेट इशू होगा वो ईयर 2024 से लेके 2025 तक के लिए री इशू करा जाएगा या फिर पहली बार इशू करा जाएगा वही वैलिड होगा और मार्च 2025 में जाकर आपका सर्टिफिकेट वो एक्सपायर हो जाएगा फिर अप्रैल 2025 में आपको फिर से बनवाना पड़ेगा ठीक है तो इसकी वैलिडिटी एक फाइनेंशियल ईयर ही होती है तो ये आ, आपको रिजर्वेशन अगर चाहिए तो इसका ध्यान रखें बाकी एक्स सर्विस के कोटा अलग होता है एस सी का कोटा अलग होता है इसीलिए इनकी कट ऑफ वगैरह भी कम जाती हैं एक्स सर्विसमैन का कोटा अगर मानो इन केस दस सीट रिजर्व करी गई हैं एक्स सर्विसमैन के लिए और केवल चार या पांच ही एक्स सर्विसमैन भर्ती हो पाए एग्जाम क्लियर कर पाए तो बाकी की बची हुई पांच सीट जो है वो जनरल कोटे से फिल की जाएंगी ठीक तो ये है रिजर्वेशन से रिलेटेड नेक्स्ट आता है आपका एज लिमिट एंड रिलैक्सेशन देखो बहुत ध्यान से सुनना है पर ठीक है जनरल कैंडिडेट्स योर एज लिमिट शुड बी ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव इन एस ए जनरल आई एम ऑल्सो इंक्लूडिंग द ईडब्यू एस कैंडिडेट ठीक है तो मिनिमम एज आपकी बीस साल होनी चाहिए अटेंड कर चुके हो आप जिस समय आप अपना फॉर्म फिल कर रहे हैं या जो भी कट ऑफ डेट दी गई है नोटिफिकेशन में उसके अकॉर्डिंग और आप अपने ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में भी होने चाहिए एटलीस्ट एटलीस्ट आप 20 साल के हों और अपने ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हो तब आप फॉर्म फिल कर सकते हैं और अपर एज जो जनरल कैटिन कैंडिडेट्स और ई कैंडिडेट्स के लिए है वो है ट्वेंटी फाइव ठीक इससे ऊपर आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते तो इन जनरल 20 से 25 साल एज लिमिट होती है बट देर इज ऑल्सो सम रिलैक्सेशन किसके लिए है रिलैक्सेशन? I'll tell यू दैट देखो आपकी ओ के लिए है ओ कैंडिडेट्स के, के लिए दूसरा आपके एस और एस के लिए है तीसरा आपका जो रिजर्वे सॉरी रिलैक्सेशन है एज में वो है एक्स सर्विसमैन एक्स सर्विसमैन के लिए है और चौथा जो है वो है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट दोनों के लिए स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए आई थिंक सेंट्रल के लिए ही है केवल ठीक है तो एज रिलैक्सेशन में ओबीसी के लिए कितना है थ्री ईयर्स का एज रिलैक्सेशन एस सी के लिए फाइव ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है एक्स सर्विसमैन के लिए भी फाइव ईयर्स का है और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए भी फाइव ईयर्स का है फाइव ईयर्स का रिलैक्सेशन है एज रिलैक्सेशन विच मीन आपकी एज लिमिट या एज क्राइटेरिया uh, जो है वो कितने ईयर्स का हो जाता है बीस से अट्ठाईस साल तक ओबीसी कैंडिडेट्स ऐसे ही एस सी एस टी एक्स सर्विसमैन और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉज इनका एज क्राइटेरिया कितना हो हो जाता है एज लिमिट कितनी हो जाती है ट्वेंटी इस दरमियान जितने भी सी ए पी एफ के एग्जाम जितनी बार भी कंडक्ट कराया जाएगा आप एग्जाम दे सकते हैं ठीक है नेक्स्ट आता है आपका फिजिकल एलिजिबिलिटी फिजिकल एलिजिबिलिटी में आपका देखो मेल के लिए अलग होती है फीमेल के लिए अलग क्राइटेरियाज हैं ठीक है पहला होगा आपका हाइट दूसरा होगा आपका चेस्ट देन एक्सपेंशन ऑफ चेस्ट मतलब सीना फुलाने के बाद कितना है और आपका वेट ठीक तो मेल्स के लिए जो मिनिमम हाइट रिक्वायर्ड है वो है 165 सेंटीमीटर एंड फीमेल्स के लिए कितनी है 157 सेंटीमीटर मिनिमम चेस्ट जो सेंटीमीटर में रिक्वायर्ड है मेल्स के लिए वो है 81 सेंटीमीटर ठीक है एंड इट इज नॉट एप्लीकेबल टू फीमेल्स ठीक ऐसे ही एक्सपेंशन एक्सपेंशन मतलब मिनिमम चेस्ट कितना फूलना चाहिए आपका जब आप सांस अंदर खींचते हो एक्सपेंड कितना आपका होना चाहिए चेस्ट तो वो एटलीस्ट फाइव सेंटीमीटर एंड इट इज नॉट एप्लीकेबल टू फीमेल्स वेट आपका एटलीस्ट फिफ्टी के जी होना चाहिए मेल्स के लिए एंड फीमेल्स के लिए आपका फोर्टी सिक्स के जी इज द मिनिमम विच रिक्वायर्ड ठीक है देखो और अगर आई साइट की बात करूं मैं तो आपकी सिक्स बाई नाइन तक वेरी करती है और ये आपको बिफोर फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट आपको खुद टेस्ट करानी चाहिए हॉस्पिटल में जाकर और नहीं है तो इसको करेक्शन कराना चाहिए करेक्शन इज अलाउड तो सौ मीटर रेस आप सोलह सेकंड तो में खत्म कर सकें आठ सौ मीटर आप तीन मिनट पैंतालीस सेकंड में कर सकें लॉन्ग जम्प कम से कम आपकी साढ़े तीन मीटर होनी चाहिए और शॉर्टपुट जो कि लगभग सात साढ़े सात किलो का होगा वो आपको साढ़े चार मीटर तक फेंक सकें आप शॉर्टपुट तो फीमेल्स के लिए नहीं किया जाता है ठीक और यही जो दो सेकंड बढ़ जाते हैं फीमेल्स के लिए हंड्रेड मीटर रेस में एक मिनट बढ़ जाता है आपका एट हंड्रेड मीटर रेस के लिए लॉन्ग जंप आपके तीन मीटर तक चाहिए ही चाहिए और जो मैं आपको बता रहा था आई आईसाइड का कि लेसिक सर्जरी अगर किसी की हुई है तो उसमें के भी कुछ एक क्राइटेरियाज हैं जो कि इस तरह से होते हैं कि कितनी लेंस की कितनी पावर वगैरह होनी चाहिए ये सब मेडिकल एग्जामिनेशन में चेक होता है तो मेक श्योर sure कि आप किसी भी तरह की डिफॉर्मिटी से ना गुजर रहे हों ठीक है अगर किसी के आई साइट में दिक्कत है तो आप उसको ट्रीटमेंट करा के ठीक करा लीजिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सेशन मिल जाता है इसमें आई साइट में सी ए पी एफ के एग्ज़ाम में जब आपका फिज़िकल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है तो ठीक है तो अपना एडुकेशन हो गया ठीक बैचलर्स रिजर्वेशन का मैंने बता दिया आपको सर्टिफिकेट जो है अपने जो आ, जब भी आपका फॉर्म आएगा मे में तो मेक श्योर sure कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो 2024 से 2025 का होना चाहिए ईडब्ल्यूएस एस वालों ध्यान से सुन लो ठीक है क्योंकि बाकी सर्टिफिकेट्स की जो ड्यूरेशन होती है वो तीन साल के लगभग हो जाती है लेकिन ईडब्ल्यूएस एस वालों का सिर्फ एक ही फाइनेंशियल ईयर के लिए होता है फिजिकल एलिजिबिलिटी आपकी ये है और इसके अलावा बहुत सारे फिजिकल पैरामीटर्स होते हैं जो कि आपको मेडिकल टेस्ट से पहले ही पता लगेंगे आई थिंक ये आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है जो आपको पता होनी चाहिए और इसके अलावा सभी लोग अपना ओ कंप्लीट करेंगे वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओ के थ्रू ही आपका फॉर्म भरा जाएगा जब भी नोटिफिकेशन आएगा आप उसको डिटेल में पढ़ेंगे क्या उसमें कोई चेंज तो नहीं किया गया है जैसे कि अभी फिलहाल में जब सिविल सर्विसेज का फॉर्म भरा गया था यूपीएससी ने जब नोटिफिकेशन निकाला तो उसमें क्या था कि आपके फ़ोटो के नीचे डेट पड़ी होनी चाहिए मतलब दस दिन से ज़्यादा पुराना आपका फ़ोटो नहीं होना चाहिए तो फॉर्म भरने से पहले एक बार अपना आप नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ेंगे क्या कोई चेंज तो नहीं है अगर कोई चेंज है तो उसके अकॉर्डिंग ही अपना फॉर्म भरें ठीक सेंटर सारे डिटेल्स बायोमेट्रिक डिटेल्स आपका नाम आपकी एज सब कुछ एक बार में ठीक से भरें क्योंकि कई बार चेंज करने का मौका नहीं मिलता है ठीक है तो ओ को अच्छे से फिल करना है अपने सर्टिफिकेट्स को मेंटेन रखना है आप अपनी एज क्राइट एज एलिजिबिलिटी और एडुकेशनल एलिजिबिलिटी चेक कर कर ही फॉर्म भरें अगर किसी की एज ऐसी है कि जैसे मानो आ, अगर फॉर्म आएगा जब माना आपने कि आ, एक अगस्त 2024 अगर एज वो है कट ऑफ डेट है तो मेक श्योर जनरल कैंडिडेट्स आप 25 इयर्स के ना हुए हों इस एज तक तभी फॉर्म भरें अगर आप 25 साल के हो चुके हैं इस तारीख से पहले तो आप फॉर्म ना भरें आप एलिजिबल नहीं हैं ठीक मानो कि आप एक सितंबर 2024 तो को 25 साल के हो रहे हो देन यू आर एलिजिबल अदरवाइज यू आर नॉट ये कट ऑफ डेट बहुत मायने रखती है और ये आपकी नोटिफिकेशन में ही नोटिफिकेशन में लिख कर आएगी तो उसको आप ध्यान से पढ़ें ठीक है तो मुझे यही सारी बातें बतानी थी बहुत बेसिक सी जो आप ध्यान में रखेंगे बिफोर फिलिंग द फॉर्म और जब नोटिफिकेशन आएगा ट्राई टू गिव यू सम हिंस कि किसको कैसे फॉर्म भरना है ठीक है अगर किसको नहीं पता हो तो वरना तो आप लोग समझदार हो सबको पता ही होगा ऑल राइट लेडीज एंड जेंटलमैन आई एल सी यू इन सम अदर वीडियो टिल देन प्लीज रिवाइज वर्क हार्ड जय हिंद बाय बाय